सो गाइज एक बार मैं और आ चुका हूँ यहाँ पर स्मार्ट टेक। तो भैया क्या हाल है आपके? तो गाइज इस वीडियो में कवर करने वाले AMD और NVIDIA के क्या प्राइसेस चल रहे हैं, साथ के साथ नए ग्राफिक कार्ड के रेट भी देखेंगे, 40 सीरीज के भी क्या रेट चल रहे हैं एंड 30 सीरीज के भी, एंड AMD में जो नए कार्ड है उनके बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी भैया क्या रेट चल रहे हैं इस टाइम ग्राफिक कार्ड, आप कुछ बता सकते हो? स्टेबल है इस टाइम प्राइजेस, मतलब जो प्राइस हम कवर करेंगे वो प्राइजेस मिल जाएंगे, ऊपर नीचे कुछ खास ज्यादा हो नहीं रहे हैं। तो भैया बताइए कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 730 से स्टार्टिंग होती है। 730 कितने GB का ये? 4 GB। क्या प्राइस है भैया इसकी? 6000 रुपये। देन इसके बाद? इसके बाद T400। ये तो दो मॉडल आते हैं ना, 2 GB और 4 GB। हाँ भैया, ये 2 GB वाला वेरिएंट है, 4 GB वाला वेरिएंट। ये 2 GB T400 क्या रेट होगा? T400 2 GB वाला होगा 7500 रुपये का। 7500। एंड इसमें 4 GB वाला क्या होगा? वो 10500। 10500। एक 1030 भी आता है 2 GB, वो क्या रेट होगा? 1030 2 GB अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट वो भी 7500 का रहूँगा। एंड 4 GB? 8500। इसी में AMD में जो सबसे स्टार्टिंग आता है पावर कलर का 550, ये क्या रेट होगा? ये 9000 रुपये का कार्ड। 9000 रुपये का कार्ड होगा। 1050 Ti आ जाता है यहाँ पर, थोड़ा गेमिंग आप कर सकते हो, अच्छे कार्ड है ये। 1050 Ti का क्या रेट होगा भैया? 30500। एंड इसी में अगर बात की जाए AMD की तरफ, इसी के टक्कर में आता है RX 6400 पावर कलर की तरफ से, क्या प्राइस है? ये भी सेम 13000 रुपये का ही कार्ड है। 13000 रुपये का प्राइस होने वाला है। सेम 6050 गैलक्स क्या रेट होगा? ये 15500 रुपये का कार्ड है। 15500। देन इसी के बाद आते हैं 1660 सुपर गैलक्स का, ये क्या रेट होगा? ये 19500 का कार्ड है। 19000। एक 6030 भी आता है, वो क्या रेट होगा? 1630 अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 11000 का कार्ड होगा। 11000 के आसपास है। एंड जैसे 1660 हमने सुपर हमने कवर करा है, 1660 Ti क्या रेट होगा? 1660 Ti 22000। एंड जैसे ये Asus Tough Gaming OC 6GB 1660 सुपर क्या रेट होगा? ये 21000 का हो जाएगा। इसी के कंपैरिजन में AMD की तरफ से भी कार्ड आता है 6500 XT, ये क्या रेट होगा? ये आपको 17500। देन इसी में अगर बात कीजिए 2060, ये कितने? OC version 6GB, ये क्या रेट होगा? 6GB का वेरियंट है, ये आपको 22500। 22500 होने वाले। इसी में एक 12 GB भी आता है, 12 GB का ये Asus मिलेगा। अच्छा, 12 GB का आपको Asus देखने को मिलेगा। 26000 OC एडिशन ये रहने वाले 26000। एंड इसके बाद आपका आता है 3050 Asus, क्या रेट होगा? ये 27500। सबसे सस्ता 3050 क्या रेट होगा? सबसे सस्ता 25000 का मिल जाएगा। 25000 का मिल जाएगा। कौन सा ब्रांड होगा वो? कलरफुल। देन इसके बाद अगर बात की जाए 3050 प्रीमियम एडिशन में MSI गेमिंग एक्स, ये क्या रेट होगा? ये 29000 का होगा। ओके, देन इसी के बाद अगर बात की जाए इसके कंपैरिजन में आता है AMD की तरफ से 6600, ये क्या रेट होगा? ये भैया 25000 रुपये का कार्ड है। 25000 रुपये का। इसी में एक XT वर्जन भी आता है, वो क्या रेट होगा? वो 28000 का। 28000। एंड 3060 की अगर बात की जाए, सबसे सस्ता 3060 ग्राफिक कार्ड क्या रेट होगा? 29000 का। 29000 का होगा। एंड ये Inno 3D क्या रेट है? ये OC एडिशन है, ये 32000 का है। 32000। इसी में जोटेक आते हैं, जोटेक में दो आते हैं, OC और नॉन OC। नॉन OC क्या रेट होगा? 3060। 31500 का आएगा, OC 32500 का आएगा। एंड अगर बात की जाए ट्रिपल फैन कलरफुल आई गेम जैसे ब्रांड की तरफ, आई गेम 33000 का मिल जाएगा, ट्रिपल फैन अल्ट्रा एडिशन। ओके, देन बात की जाए यहाँ पर AMD में भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं 6700, ये क्या रेट होगा? 6700 ये आपको 35000 का। 35000 का हो जाएगा। एंड 3060 Ti, ये 40000 का। MSI अगर बात की जाए कलरफुल या फिर किसी चीप ब्रांड की तरफ, 3060 Ti 37-38000 का अराउंड चल रहा है। 37 से स्टार्टिंग हो जाती है। कौन सा ब्रांड होगा उसमें? कलरफुल। ओके, अगर तीन फैन में ट्रिपल फैन अगर बात की जाए 3060 Ti की, क्या रेट होगा? 42000 का होने वाला है। एंड टफ गेमिंग जैसे Asus Tough Gaming जो 44000। एंड अगेन AMD में भी आता है 6750 XT, ये क्या रेट होगा? ये 52000 का है। 52000 का है। AMD में 3070 भी आता है, मतलब NVIDIA में 3070, वो क्या रेट होगा? 3070 आपको 48000 का मिल जाएगा। 48000। एंड 3070 Ti? 3070 Ti 52000 से स्टार्ट हो जाएगा। ये दो फैन होगा या तीन फैन होगा? ये तीन फैन वाले ही का। अच्छा, 52। एंड 3080? 3080 अभी Asus Tough में मिलेगा 70000 का। 3080 Ti? 3080 Ti मिनिमम 82000। मिनिमम 82। एंड 3090? 3090 अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 95000, मतलब 1,00,000 से नीचे ही आ चुका है 3090। एंड अगर बात की जाए नए कार्ड 4090?
4090 जो अभी मिलेगा आपको 1,67,000 का मिलेगा. 1,60,000 जो टैक्स एंड 4080 1,06,000 प्लस टैक्स. ओके एंड कुछ एएमडी में भी कुछ कार्ड लॉन्च हुए वो क्या? एएमडी के कार्ड अभी मेरे पास आए नहीं है तो उनका मेरे पास आईडिया नहीं, तो नेक्स्ट हम उसका आपको अपडेट कर देंगे. ओके एंड इंटेल के जो कार्ड आते हैं वो स्टॉक में नहीं है, कारण? अभी स्टॉक में नहीं है बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है. अगर किसी को इनिशियल वाले जैसे 2GB का कार्ड लगाते हैं परफॉर्मेंस नहीं मिलती, अगर वैसे परफॉर्मेंस चाहिए तो आप वो वाले कार्ड प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज तो इंटेल के अभी कामयाब. इतने कुछ खास कामयाब है कार्ड नहीं. सो गाइस ये हो गए एएमडी और एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड हमने कवर करे, साथ ही साथ इंटेल के बारे में भी बात करी एंड जो प्राइजेस हमने कवर करे वही प्राइजेस यहाँ पर रहने वाले. स्मार्ट टेक शॉप है नेहरू प्लेस के जस्ट सामने पड़ते, तो आई थिंक आने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बाकी ग्राफिक कार्ड के अलावा यहाँ पर आपको मदरबोर्ड लेना हो, कैबिनेट लेना हो, कुछ भी लेना हो, एसेसरीज सारी चीज़ें मिल जाती है. आप यहाँ पर आ सकते हो, विजिट करा मतलब कर सकते हो. एंड आखिरी भैया क्या बोलना चाहोगे आप हमारे सब्सक्राइबर्स? नहीं बस देख के लेना, ग्राफिक कार्ड में आजकल बहुत गहमा गहमी चल रही है. कुछ पुराने कार्ड्स हैं, कुछ सर्विस सेंटर रिटर्न्स कार्ड हैं, हमारे पास आओगे हम बता देंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे फर्क करते हैं, कि कौन सा सर्विस सेंटर रिटर्न है, कौन से पुराने कार्ड हैं. बाकी मार्केट में अगर आपको सस्ता ढूंढना है तो सस्ता तो मिलेगा, क्या कहते हैं 2,000 रुपये की चीज 200 रुपये में लेके जाते हैं यहाँ से बंदे, पर घर जाके पता लगता है उनको कि क्या ले जा रहे. ओके सतर्क रहे, सावधान रहे, जो भी चीज़ लो बहुत ध्यान से लो एंड जेन्युइन शॉप से लो. बाकी थैंक यू भैया अपने कीमती समय देने के लिए. थैंक यू.